नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीजी स्टडी। आज है 12th में, आज के सारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है आज के दिन, और ये हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जिसके माध्यम से हम नर्सों के कार्य का सम्मान किया जाता है। इस समय दुनिया में कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे, ऐसे में ये एक दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज क्या है हमारा नर्सिंग डे, नर्स दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो आज उनको सबको सलाम करें जो हमारे इस कोरोना वायरस में लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी लोगों की जान बचा रहे हैं। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति CIBRC के तहत स्थानांतरण पंजीकरण समिति ने सिफारिश की है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी TB दवाइयों के फसलों पर उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पंजीकरण समिति ने 1 मई 2020 को अपनी 114वीं बैठक आयोजित की और इसकी उप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का 9% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का 1% फसलों में उपयोग किया जाता था। इस रिपोर्ट के अनुसार इन दवाओं का उपयोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सबसे अधिक किया था। तो इन दवाइयों को पर जो यूज किया जाता था, इनको रोकने का बोल दिया है क्योंकि इसको यूज ना करें, कि ये दवाई हमारी COVID-19 के लिए थोड़ा सा यूजफुल होने वाली है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्मदर, मृत्युदर और शिशु मृत्युदर का डाटा जारी किया है। इस आंकड़े पर संकलित डाटा को नमूना पंजीकृत प्रणाली कहा जाता है। जारी आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय जन्मदर 20 है, मृत्युदर 6.2 और शिशु मृत्युदर 32 है। मध्य प्रदेश देश में सबसे कम शिशु मृत्युदर थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जन्मदर सबसे कम है। मृत्युदर सबसे कम कहाँ है? हमारी मध्य प्रदेश में। और जन्मदर कहाँ है सबसे कम? अंडमान निकोबार में। जबकि बिहार में क्या है? जन्मदर सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में मृत्युदर दर सबसे कम थी और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा। मृत्युदर कहाँ है सबसे कम? दिल्ली में। और छत्तीसगढ़ में क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ डेटा है। मध्य प्रदेश सबसे कम शिशु मृत्युदर, अंडमान निकोबार सबसे कम जन्मदर है, बिहार में सबसे ज़्यादा जन्मदर है, मृत्युदर सबसे कम कहाँ है? दिल्ली में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? हमारा छत्तीसगढ़ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ने COVID-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट COVID-19 को निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों को परीक्षण में सक्षम रहेगी। इस किट का संयुक्त रूप से ICMR और NIV द्वारा विकसित किया गया किट एलिसा आधारित परीक्षण करने में सक्षम है। एलिसा जो एड्स का परीक्षण होता है, LSA का पूर्ण रूप एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है। हैदराबाद स्थित DRDO के रिसर्च सेंटर में RCI ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान, कागज़ को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रा वॉयलेट कैबिनेट नेट विकसित किया है। क्या नाम है उसका? हम अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजर विकसित किया है, DHRUVS। DRDO रिसर्च सेंटर इमारत ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजर कांच किसने किया? DRDO मतलब इलाहाबाद का जो RCI है और DRDO ने। लगभग 2 महीने के बाद रेलवे इस मंगलवार को अर्थात 12 मई 2020 से पैसेंजर ट्रेनें सेवाओं को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस साल मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के साथ साथ देश में मालगाड़ी को छोड़कर सभी पैसेंजर ट्रेनों को परिचालन 22 मार्च से रोक दिया गया था। हालांकि 17 मई 2020 को कोरोना वायरस लॉकडाउन के तीसरे चरण के समाप्त होने के बाद भारत में रेलवे परिचालन को धीरे धीरे से शुरू करने का फैसला किया। तो 12 तारीख से लगभग 15 नए ट्रेनों को चलाया जा रहा है जो देश के अलग अलग बड़े शहरों के लिए दिल्ली से। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री, हालांकि वह नवंबर 2019 से आयोजित महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित नहीं किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य को बहुमत का समर्थन है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में यदि वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है या वो आम चुनाव हार गया तो उसे मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसके पास बहुमत के सदस्य को समर्थन हो। हालांकि 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव जीतना होगा। अभी उन्होंने नामांकन कर दिया है,
और नामांकन करने के बाद निर्विरोध न दूसरे किसी ने पर्चा नहीं भराया, कांग्रेस वालों ने भरा, उन्होंने वापस ले लिया, तो निर्विरोध बिना किसी के विरोध के ये वहाँ के विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। उपयुक्त मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत उपयुक्त मामलों के विभाग ने सुरक्षा स्टोर पहल लॉन्च की है। इसे लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया है? सुरक्षा पहल। उपयुक्त मामले विभाग ने किराना स्टोर स्तर पर COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक टैक स्टार्ट अप सेफ जॉब और सीकीफाई के साथ हाथ मिलाया। इसके द्वारा पूरे देश में किराना स्टोर के मालिकों को COVID-19 प्रोटोकॉल और निर्देशानुसार के बारे में शिक्षित किया जाएगा। तो जो स्टोर खुले हुए हैं इस समय, उनको शिक्षित करने के लिए भाई तुम्हें क्या करना है, कैसे लॉकडाउन का पालन कराना है, लोगों को कैसे सैनिटाइज करना है, क्या करना है, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया विदेश सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। और इससे उनको ये जानकारी दी जाएगी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने वैज्ञानिकों को COVID-19 महामारी के परीक्षण के लिए कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीकी फलूदा को विकसित किया है। इस जांच विधि का नाम बंगाल के काल्पनिक जासूसी चरित्र फलूदा के नाम पर रखा गया है। यह तकनीकी में भी प्रारंभिक क्रियाविधि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के समान है। ये एक होता है हमारे बायोलॉजी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हमें DNA से RNA बनाता है, और RNA क्या होगा, एक चेन की फॉर्म में बनता है, उसको बोलते हैं। तो क्या फलूदा विकसित किया है, और इस फलूदे से नाम क्या है उसका, फलूदा। फलूदा क्या था, एक जासूस था पश्चिम बंगाल का, उसी के नाम पर इसको नाम रखा गया है। एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट है। प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेव को COVID-19 के कारण 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वासुदेवन के को रूस तथा मध्य एशिया इतिहासकारों के अग्रणी नामों में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त भारत और रूस संबंधों में विशेषज्ञों के रूप में भी जाने जाते हैं। वर्तमान वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे। इस पूर्व उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ द एसोसिएशन स्टडी कोलकाता के निदेशक के रूप में काम किया। तो प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेव का अभी कोविड की वजह से क्या हुआ, निधन हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के top 10 करंट अफेयर। इसी टाइप के करंट अफेयर अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।